हेलो ट्रेडर्स, तो आज तारीख है 10 मई। हमने कैप्चर की अराउंड 20 पॉइंट्स, ट्रेल करते तो 350 पॉइंट्स से ऊपर तक गए हैं और तीन ट्रेड ली, तीनों पर प्रॉफिट हुआ कि तीनों में, दो में हम लोग का ऑल टारगेट्स अचीव रहे और एक ट्रेड में हमारा सेकंड टारगेट अचीव रहा। तो ओवरऑल प्रॉफिटेबल डे था ट्रेडर्स के लिए, जिसने फॉलो किया होगा उसने अच्छे से प्रॉफिट बनाया होगा। अगर आप भी ऐसी ट्रेड्स लेना चाहते हो तो चैनल हमारा ट्रू ट्रेडिंग बैंक निफ्टी, वहाँ को ज्वाइन, वहाँ पर आके आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। चलिए बात करते हैं कि हमने क्या ट्रेड्स लिए, क्या रिसर्च किया, क्या एनालिसिस किया जिससे हमने 20 पॉइंट्स कैप्चर किए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमने पहला ट्रेड लिया था, पुट लिया था 921 पे, इधर पे, और इसलिए लिया था, सिंपल सा रीज़न था इसका, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें। इसने क्या हुआ था, सपोर्ट पहला इसने यहाँ पे खुलना इंडिकेशन गैप डाउन का पहले था, पर खुला ये कहाँ पे खुला, ज़्यादा गैप डाउन नहीं खुला, खुलते ही उसने वापस रिवर्सल मारा 34200 के लेवल से। और 34200 के लेवल से जब इसने वापस यहाँ पे, अगर आप इसको 1 मिनट डाल दें, क्लियरिटी डाल दें ना 1 मिनट पे, तो आप देखते शॉर्टर टाइम फ्रेम पे कि जो प्रीवियस हमारा हाई बन रखा था, हाई का जो लेवल था हमारा, 5 मिनट्स वापस जाते हैं, या जो हमारा प्रीवियस यहाँ पे जोन था, रेजिस्टेंस जोन था ना, जो इसकी बॉडी बनी थी एग्जैक्टली उसी पॉइंट से इसने रिजेक्शन मारा था। तो हमने यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग अच्छी खासी वॉलेटिलिटी रहती, तो था कि कुछ पॉइंट्स तो हमारे टारगेट वन टारगेट टू कैप्चर हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे इसलिए इस पॉइंट पे, ये वाला जो पॉइंट है इधर पे, हमने पुट लिया था। सिंपल सा रीज़न था, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें, ये था कि जो प्रीवियस हमारा बॉडी का डे हाई था ना, इसने वहीं से एग्जैक्टली उसी पॉइंट से आकर रिजेक्शन मारा था, इसलिए हमने यहाँ पे पुट लिया था। और हमने पूरा मूवमेंट यहाँ तक, पूरा डाउन तक पूरा कैप्चर किया था, 34250 का जो रीजन था वहाँ तक पूरा कैप्चर किया था। और 34250 पे एग्जैक्टली हमने बता भी दिया था, यहाँ पे देख लीजिए, टाइमली बुक प्रॉफिट बिफोर हिटिंग टू डेज लो, नियरेस्ट सपोर्टेड 34200 रीजन, अपडेट भी किया 34250। पहले इस यहाँ पहुँचने से पहले हमने बता दिया था कि यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, तो अच्छे टाइमली बुक प्रॉफिट कर लेना। हमने 500 पे बुक कर लिया था प्रॉफिट, 504 नहीं नहीं हमने अराउंड 470 तक किया था, 504 को उसने हाई मारा था। तो उसके बाद अगली ट्रेड थी कौन सी, कॉल था 1028 पे, 1028 पे, इसमें बस ये, इसमें भी यही रीज़न था कि जो ये हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी थी ना वाली, इसका ब्रेकआउट था यहाँ से। तो एक बार यहाँ पे हम लोग के पास दो कन्फर्मेशन थे, पहला कन्फर्मेशन ये था कि इसने ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया, तो और दूसरा कन्फर्मेशन था ये कि इसने जो रिवर्सल पॉइंट है, इसका रिवर्सल पॉइंट एक सपोर्ट रीजन था, तो यहाँ से ये वॉल्यूम लेके ऊपर जा रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया था 1028 पे, क्योंकि दो कन्फर्मेशन हमारे पास थे, प्राइस एक्शन कन्फर्मेशन था और वॉल्यूम कन्फर्मेशन था। तो हमने यहाँ पे 1028 पे कहा था कि या कॉल लेने के लिए कहा था, पर ये भी मेंशन किया था कि रिस्की है, क्योंकि ऑन द अप साइड क्या हो सकता था कि इसी ट्रेंड लाइन जो बन रही थी ना वाली, देखिए ट्रेंड लाइन जो बन रही थी ना, हो सकता है कि ऊपर जाके यहाँ से कहीं रिजेक्शन ले ले, इसलिए रिस्की मैंने मेंशन भी किया था। रिस्की मतलब स्मॉल क्वांटिटी में खेलना है, एक दो लॉट तीन लॉट आपकी रिस्क अपटाइट के ऊपर रहता है, मेंशन भी किया हुआ था। तो इसने टारगेट टू तक अचीव किया था, 468 का हाई भी लगाया था, टारगेट टू 450 का था, हमने उसने अचीव कर लिया था। हमने टारगेट काउंट करेंगे, 468 का हाई काउंट नहीं करेंगे। फिर हमने मार्क भी कर दिया था कि अगेन डे नियर हाई जा रहा है, अपना टाइमली प्रॉफिट कर लेना, और मेंशन भी किया था 475 तोड़ेगा तो प्रीमियम में फिर से हाई जाएगा इसी ऑप्शन में, पर 475 थोड़ा जिसने बहुत आगे जाके, और फिर से वहाँ से उसने पूरा मोमेंट दिया, बात करेंगे उसकी भी। एग्जैक्टली इसी पॉइंट से हमने बताया था, जब बोला था कि टाइमली बुक प्रॉफिट कर लेना, इसीलिए बोला था यहाँ पे, कि जो ट्रेंड लाइन जा रही थी यहाँ पे, इसने ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लिया था पहले, तो यहाँ पे एक सपोर्ट जो अपर रेजिस्टेंस जो रीजन था ना उसके पास आ चुका था, और ऊपर से जो हमारी ट्रेंड लाइन थी, लोअर ट्रेंड लाइन जा रही थी वाली जो बना रखी है, 1 2 3 4 वाली, यहाँ से उसने रिजेक्शन लिया था, पहला जो कैंडल बनी थी उससे कंफर्म हो गया था कि वहाँ से अब रिजेक्शन वाला थोड़ा सा हल्का डाउन मूवमेंट आने वाला है। फिर 12 बजे हमने फिर से कॉल लिया था, 12 बजे 11:30 कहाँ पे, यहाँ पे। तो जो 12 बजे हमने कॉल लिया था ना, तो इसका हमने मेंशन किया हुआ था कि यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा था, ये भी ग्रुप में डाल दिया था, और इस यहाँ पे मेंशन कर रखा था
कि जो नॉर्मली ऐसा ट्रायंगल बनता है तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन होता है, तो ट्रेंड कैसे दिख ली ऊपर अपसाइड जा रहा है ये, तो इसको भी अपसाइड जाना था। अब हुआ क्या, इसने सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो बनाया इसने यहाँ पे दिया इसने लोअर ब्रेकआउट। तो हमने ये भी मेंशन कर रखा था इसमें कि इन केस, देख लीजिए ग्रुप देख लेते हैं, कि हिस्टोरिकल डाटा सजेस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेंड कंटिन्यूएशन बट वी विल ऑलवेज वेट फॉर पुल बैक और कन्फर्मेशन, उसके बिना ट्रेड हम नहीं लेंगे। तो हमने वही किया, इसे डाउन मूवमेंट दिया, जो जो इसका प्रोबेबिलिटी हाई जिस तरफ थी ना उसके अगेंस्ट उसने मूवमेंट दिया, तो इसलिए हमने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया। अगर हम लोग उसका ट्रेड ले लेते ना कि ब्रेकआउट देती ट्रेड हमने पुट ले लेते तो हम लोग का ऐसा आराम से हिट हो जाता। तो हमने वेट किया, जब वेट कब हमने एंट्री मारा फिर से इसने अपसाइड मूवमेंट दिया, इसने ब्रेक कर दिया, पर हमने अभी भी ट्रेड नहीं लिया क्योंकि इस टाइम इतनी खतरनाक इस टाइम प्राइस एक्शन इसने बना लिया था ना कि हमको कोई कन्फर्मेशन नहीं मिल रहा था कि पहले इसने तोड़ा फॉल्स, इसने ब्रेकआउट दिया फिर अपसाइड दिया क्या पता ये भी फॉल्स हो, तब हमने ट्रेड नहीं लिया। हमने कब ट्रेड लिया, जब इसने यहाँ 12 बजे लिया, जब इसने ये जो हमारा प्रीवियस ये है ना प्रीवियस रेजिस्टेंस हाई था जो हमने रीजन बना रखा था जहाँ से 2 बार लगभग इसने रेजिस्टेंस लिया था उसको ब्रेक किया। अब हमारे पास इस टाइम 3 कन्फर्मेशन आ गए थे, 3 कन्फर्मेशन। पहला कन्फर्मेशन था ये हमारा ट्राइंगल प्राइस सेक्शन का ब्रेकआउट, दूसरा था सपोर्ट रीजन से जा रहा है ट्रेंड कंटिन्यूएशन में जा रहा है वॉल्यूम के साथ जा रहा है, और तीसरा इस यहाँ से वॉल्यूम लेके जा रहा था ऊपर, और तीसरा जो हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन था ना ये देख लीजिए जहाँ से हमने वापस पुट लिया था उसको ब्रेकआउट दिया था इसने वॉल्यूम, तो वॉल्यूम था ही पहले से ही, और जब ब्रेकआउट दिया तो हमने यहाँ पर ट्रेड ले ली, और ट्रेड ली तो हमने पूरा ये जब पूरा अपसाइड पूरा मोमेंट जितना भी यहाँ बन रहा था ना पूरा हमने कैप्चर कर लिया था, मोर देन 100 पॉइंट्स हमने इसमें कैप्चर कर लिए थे, सारे टारगेट्स हमारे टाइमली अचीव हो गए थे अच्छे से। इसमें 12:11 पे मेंशन कर रखा था हम लोगों ने यहाँ पे, जब 12:11 जब 34,500 के पास पहुँचा था हमने पे मेंशन भी किया था कि नियर रेजिस्टेंस है, गुड मूव विथ रेजिस्टेंस अबव 34,500 मेंशन कर लिया था कि भाई अगर ज़्यादा क्वांटिटी में हो कुछ ना कुछ तो बुक कर लो क्या पता यहाँ से रिजेक्शन आ जाए तो आप पूरा लॉस ना हो, पर होपफुली हमारा कुछ असल हिट नहीं हुआ और पूरा प्रॉपर पूरा ऊपर तक चला गया क्योंकि इसमें वॉल्यूम था उस टाइम। तो ये हमारे आज के 3 ट्रेड्स थे और उनके पीछे का एनालिसिस आपने जान लिया कि हमने ट्रेड्स क्यों लिए, उनके पीछे का रिसर्च क्या था, क्यों प्राइसेशन था, क्या मेंटेन था, सब आप जान चुके हो। तो आपने ट्रेड्स जो ली ना सिर्फ ट्रेड्स नहीं लिए, आपने ये भी उन ट्रेड्स को आपने एक तरह से खुद लिया कि आपने खुद समझाया कि वो ट्रेड्स मैंने कैसे लिए हैं, आपको इससे बेनिफिशियल बेनिफिट मिलेगा खुद का, खुद पर बेनिफिट मिलेगा कि आपने जो सिर्फ ट्रेड्स लिए हैं सिर्फ ट्रेड्स किसी कहने पर नहीं लिए, आपने समझा है उनको ट्रेड्स को कि किस हिसाब से ट्रेड्स लिए हैं और कैसे अपने प्रॉफिट बनाया है, ताकि आप फ्यूचर में भी आपको एक अंडरस्टैंडिंग रहेगी खुद से भी आप ट्रेड और अजम्पशन लेके एक अपने पोजीशन बना सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा कि आपने ट्रेड्स कैसे ली। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great.